छिंदवाड़ा में देश के पहले कॉर्न फेस्टिवल के दूसरे दिन किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसानों ने मक्का उत्पादन और उससे जुड़े व्यवसाय को शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई। कृषि विशेषज्ञों ने मक्का से जुड़े व्यवसाय पर अपने विचार और सुझाव रखे। छिंदवाड़ा में मक्का उत्पादन और उससे जुड़े व्यवसाय की अपार संभावनाएं तलाशी गयी। फेस्टिवल में कृषि यंत्रों, खाद बीज की प्रदर्शनी भी लगाई गयी है। फेस्टिवल में विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत किस्म के मक्का उत्पादन और उससे जुड़े व्यवसाय की जानकारी दी। इसके साथ ही मक्का उत्पादन की अपार संभावनाएं तलाशी। विशेषज्ञों ने कहा कि देश में मक्का से बने खाद्य पदार्थों की भारी मात्रा में मांग है। शहरी इलाकों में मक्का का उपयोग स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न जैसे उत्पादों में बढ़ रहा है। इसको देखते हुए आने वाले समय में खाद्य उत्पादों के लिए मक्का की मांग और बढ़ने का अनुमान है। कृषि वैज्ञानिक के द्वारा हमने जो शिक्षा प्राप्त की है मक्का उत्पादन के विषय में, तो हमें बहुत बड़ी खुशी है और अधिक से अधिक उत्पादन लेकर के हम किसानी इस मक्का से अधिक लाभ लेंगे और बेनिफिट मिलेगा। हम लोग भगवान श्रीचंद पब्लिक स्कूल से हैं और हम लोग 12th एग्रीकल्चर में हैं, तो ये हम लोग के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल है। तो इससे हम लोग को बहुत से एजुकेशन और एजुकेटेड मतलब उससे हम लोग को बहुत सा फायदा है, देखने के लिए बहुत नॉलेज मिलता है इससे। दो दिवसीय फेस्टिवल में लोगों ने मक्का से बने विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। वहीं दूसरी ओर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसका भी लोगों ने भरपूर आनंद लिया। आज रात बॉलीवुड सिंगर ब्रजेश शांडिल्य की लाइव परफॉर्मेंस के साथ इस आयोजन का समापन होगा। कलेक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि जिस उद्देश्य से उन्होंने कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन किया वह पूरा हो चुका है। किसानों को फेस्टिवल में बहुत सारी जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में मक्का उत्पादन और उससे जुड़े व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं। आयोजन में मक्का क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ, कलेक्टर वेद प्रकाश, निगम कमिश्नर इक्षित गढ़पाले सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, छिंदवाड़ा।